नैनीताल में मंडल आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अमृत उपयोजना के अंतर्गत महायोजना की तैयारी को लेकर विभिन्न विभागों के स्टैक धारकों के साथ चर्चा की गई। वहीं मास्टर प्लान संस्था के नियोजक देवांग पांडे ने पीपीटी के माध्यम से महायोजना की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही मंडल आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि वर्ष 2011 में नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान की अवधि समाप्त हो गई थी, जिस संबंध में अब वर्ष 2041 तक के लिए नई नैनीताल भीमताल मास्टर प्लान की तैयारी चल रही है। उन्होंने समस्त विभाग को भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने सुझाव लिखित रूप में देने को कहा, ताकि आवश्यकता अनुरूप परिसंपत्तियों और सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। जो नैनीताल का मास्टर प्लान है पुराना, ये 2011 में एक्सपायर हो चुका है। अब नए मास्टर प्लान पे तैयारी चल रही है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप ये होता है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो अपने इनपुट्स दें, और जो संबंधित लोग हैं, स्टेक होल्डर्स जिनके लिए मास्टर प्लान बन रहा है, यानी कि नैनीताल के लोग हैं, इसमें अलग अलग यूनियंस हैं, व्यापार मंडल हैं, होटल एसोसिएशन है, टैक्सी यूनियन, उनके भी इनपुट्स होंगे।